हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है और इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट मूव करते हैं डिफ्यूजन दो तरह का होता है एक होता है सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा होता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन यूज नहीं होती और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन यूज होती है तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूज़न में

मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं तो यहां पे मूवमेंट इधर से ए साइड से बी साइड में भी हो रहा है और बी साइड से ए साइड में भी हो रहा है लेकिन जो फाइनल मूवमेंट होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे होगा जिसको मैंने एक बिग एरो से शो किया हुआ है यानी कि जो फाइनल नेट मूवमेंट होगी वो ए से बी की तरफ होगी अब धीरे धीरे जब ये मूवमेंट होती चली जाएगी तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि ये सेल मेमब्रेन है सेम थोड़ी देर बाद मूवमेंट कंटिन्यूअस होती जा रही है तो ए साइड और बी साइड में एक टाइम आने के बाद ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे अब ये जब मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए तो जितना मूवमेंट इधर हो रहा है उतना ही मूवमेंट इधर हो रहा है तो फाइनली अगर देखो तो नेट मूवमेंट आफ्टर अ टाइम नेट मूवमेंट आपका जीरो हो गया है और इसको हम कहते हैं डिफ्यूजनल इक्विलिब्रियम सो डिफ्यूजनल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है यानी कि अब कोई नेट मूवमेंट ना ए साइड से बी में हो रहा है ना बी साइड से ए में हो रहा है नेट मूवमेंट लेकिन एक्चुअल में देखो तो मूवमेंट हो रहा है दोनों साइड में क्योंकि रैंडम मूवमेंट वहां पर हो रही है तो रैंडम मूवमेंट की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट या फिर एक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अलोंग जो मूवमेंट होता है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं जो ग्रेडियंट है उसके थ्रू हम कैसे देखेंगे जैसे सपोज करो ये सेल है ये सेल का इनसाइड है ये सेल का आउटसाइड है कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर अंदर की तरफ एक निगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ उसमें कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज होता है कोई भी सेल है वो ये इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिकली जो है वो एक चार्ज रखती है और जो मूवमेंट अगर माइनस जो हम जो चार्ज देखेंगे वो हम देखेंगे अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के आप सपोज करो एक टाइप का चार्ज ये एक टाइप का चार्ज ये है ये पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन तो जो कैटायन है वो क्योंकि अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है जो कि इस कैटैन को अट्रैक्ट करेगा तो ये आसानी से पास हो सकता है तो जो डिफ्यूजन है इसे हम कहेंगे अलॉन्ग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्योंकि ये आसानी से पास हो रहा है और इसके लिए जो तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो फ्रॉम आउटसाइड टू इन है तो इट इज़ अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और ये इजिली पास हो सकता है दूसरा मॉलिक्यूल है निगेटिवली चार्ज जो कि हमारा एनायन है ओके okay? जो एनायन चार्ज होता है जो निगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है वो उसको आने नहीं देगा उसको रिपल करने की कोशिश करेगा लेकिन अगर ये डिफ्यूजन के थ्रू अंदर पहुंचाया जा रहा है तो ये है हमें है हमारा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तो इसमें जो मूवमेंट होती है मेनली वो होती है अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ तो डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है यानी कि अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है दूसरा ये जो है अलोंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जाता है ओके okay? अब इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस डिफ्यूज़न को अफेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं एक हमारा है ये मॉलिक्यूल्स है क्योंकि इस मॉलिक्यूल को पास होना है तो उसकी प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड करती है कि उस उस सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है वो इसको फैक्टर्स अफेक्ट करेगा दूसरा इस मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टी है वो इसको अफेक्ट करेगी तो अगर हम पढ़ें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हैं तो फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन एक तो होंगे जो कि सब्सटेंस के फैक्टर्स हैं मतलब सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जिसको डिफ्यूज होना है दूसरा किसके थ्रू होना है मेम्ब्रेन के थ्रू होना है तो मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी और जो डिफ्यूजन है ये हमारा पैसिव प्रोसेस है है ना ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है तो इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होनी है तो यानी कि एनर्जी जो है इसके लिए कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा तो इसके लिए सिर्फ सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टी है उन पर डिपेंड करेगा तो सबसे पहले अभी हमने जो पढ़ा वो है ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट भी सब्सटेंस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यानी एक साइड से दूसरी साइड में डिफ्यूज होने के लिए उसका ग्रेडियंट किधर की तरफ से किधर की तरफ है इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका कितना किधर की तरफ एक तो डिफ्यूजन हो रहा है यानी इसकी डायरेक्शन को इंपॉर्टेंट ये बताएगा कि ए साइड से बी में होना है बी से ए में होना है दूसरा अगर सपोज करो कि ए साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और बी में कंपेरेटिवली कम है ठीक है एक एग्जाम्पल दूसरा है कि ए साइड में भी ए साइड में ज़्यादा है लेकिन एक दूसरे एग्जाम्पल के कंपेयर में कम है कैसे इसको समझ सकते हो जैसे कि सपोज करो दो एग्जाम्पल हैं आपके पास एक ए है एक बी है इसमें क्या है ए साइड में आपके पास बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है बी में कम है तो यानी कि डिफरेंस है ऑब्वियसली इधर की तरफ होगा दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें ए और बी हम बात कर रहे हैं ए में ज्यादा तो है लेकिन इस एग्जाम्पल के कंपेयर में कम है और बी में उतना ही है जितना इधर है, तो होगा हो हो तो मूवमेंट इधर ही लेकिन इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा क्योंकि जितना ज्यादा वो ग्रेडियंट होगा चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो या फिर गैसेस केस में आप प्रेशर ग्रेडियंट को देख सकते हो उस प्रेशर का डिफरेंस दोनों साइड में क्या है तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन उसी हिसाब से ज्यादा हो जाता है दूसरा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल साइज ऑफ सब्सटेंस अब देखिए जितना छोटा सब्सटेंस होगा उतना आसानी से पास होगा जितना बड़ा सब्सटेंस होगा उतना मुश्किल से पास होगा पहली बार लेकिन एक चीज और होती है क्योंकि ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ये हमारा यूज़ुअली जो आपके जैसे सपोज करिए कि आपके जो ऐसे सब्सटेंसेस को खोना है जिन जो कि हाइड्रेशन होते हैं यानी कि वाटर सोल्यबल सब्सटेंस है जैसे हम सोडियम और पोटेशियम का डिफरेंस लें तो जो सोडियम मॉलिक्यूल होता है जैसे ये सोडियम का मॉलिक्यूल है इस सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 23। दूसरा हम ले पोटेशियम पोटेशियम एक बड़ा मॉलिक्यूल है अपने आप में और उसका जो एटॉमिक वेट है यानी एटम का जो वेट है वो 39 है तो इसमें देखो तो ये छोटा है ये आसानी से पास होना चाहिए यानी इसकी परमियाबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ये बड़ा मॉलिक्यूल है इसकी परमेबिलिटी कम होनी चाहिए लेकिन क्या होता है कि ये वाटर से बाइंड करते हैं ये हाइड्रेटेड होते हैं तो जब ये हाइड्रेटेड होते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ में बाइंड करते हैं अब इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है इसका हाइड्रेशन कम है तो यानी कि इसके साथ में जो मॉलिक्यूल्स इसके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ओवरऑल जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है ये सब वाटर मॉलिक्यूल है कि हाइड्रेटेड जो मॉलिक्यूल है वो कंपैरेटिवली बड़ा हो गया एज कंपेयर टू पोटेशियम मॉलिक्यूल तो अब हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल दिस सोडियम मॉलिक्यूल इज मोर एज मतलब लार्जर एज कंपेयर टू हाइड्रेटेड पोटेशियम तो इसकी परमिएबिलिटी सोडियम की पोटेशियम के कंपेयर में क्या होगी कम हो जाए उल्टा इसीलिए रेस्टिंग कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पोटेशियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोडियम परमेबिलिटी क्योंकि हाइड्रेटेड पोटेशियम का जो साइज है वो छोटा है तो साइज ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर अगला फीचर हमारा होता है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली क्योंकि डिफ्यूजन है वो आपका थ्रू सेल मेम्ब्रेन होना है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल की बनी होती है तो जो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल हैं जैसे कि आपके जो फैटी एसिड्स हैं अल्कोहल हैं जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं वो आसानी से पास होंगे जो लिपिड सॉल्युबिलिटी जिनकी कम है या जो कि वाटर सॉल्युबल हैं उनका जो डिफ्यूज़न है वो थोड़ा मुश्किल होगा और चार्ज इम्पॉर्टेंट होता है चार्ज को आप ग्रेडियंट के साथ ही याद कर लें याद करना आसान होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाता है अभी हमने जो एक डायग्राम पढ़ा था जिसमें जो चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट होता है जो कैटाइंस होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आसानी से बाहर से अंदर आते हैं क्योंकि सेल के अंदर निगेटिव चार्ज है और जो एनायंस होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं वो मुश्किल से अंदर आते हैं तो चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस डिफ्यूजन उसके बाद टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी का टेम्परेचर कितना है उस बात पर डिपेंड करता है कि किसी चीज़ का डिफ्यूज़न कितना ज़्यादा होगा या कम होगा सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस जिसकी वजह से ये फैक्टर्स अफैक्ट होता है अब हम बात करेंगे मेमब्रेन प्रॉपर्टी की अब मेमब्रेन में एक एरिया होता है जिसके थ्रू किसी को पास होना होता है और एक होता है आपका थिकनेस जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा पास होगा कोई आसानी से पास होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा एक होता है थिकनेस जितनी मेम्ब्रेन थिन होगी पतली होगी उतना ही आसानी से पास होगा तो इसके लिए फिक्स ने एक लॉ दिया फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये फिक्स लॉ क्या कहता है फिक्स लॉ कहता है जे इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन टी बल्कि आप इसको ऐसे लिख लें डी ए अपॉन टी C1 minus C2. Fixed law of diffusion is for a simple diffusion. जहां पे J क्या है आपका J है हमारा net rate of diffusion. Net rate of diffusion D एक coefficient होता है जिसको हम कहते हैं diffusion coefficient. ओके, इज एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट होगा ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया जितना थिकनेस ज़्यादा होगा उतना रेट कम होगा जितनी थिन होगी यानी कि थिकनेस कम होगी उतना रेट ज़्यादा होगा और सीवन माने सीटू है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक जगह से दूसरी जगह का डिफरेंस है जो भी हमने डिस्कस किया तो सीवन सीटू भी इंपॉर्टेंट होता है और वो ये जैसे एरिया है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और थिकनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फिक्स लॉ ऑफ डिसीजन कहता है ठीक है और ये जो डी जो आपका एरिया है मतलब पर डी जो है वो डिफ्यूज़न कॉफिशियंट है वो परमियाबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि, कि किसी के लिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न कितनी परमियाबिलिटी है उसके ऊपर ये डिफ्यूज़न कॉफिशियंट आपका काम करता है सो so, ये जो फैक्टर्स हैं वो आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पैसे प्रोसेस है हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है अलॉन्ग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जा रहा है सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर यूज नहीं होता ये इंपॉर्टेंट बात है सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर यूज नहीं होता और ऑफ सिंपल डिफ्यूजन आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन एलव्यूलाई लंग्स में जो एल्व्यूलाई होती है जो उसमें ऑक्सीजन ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है वो सिंपल डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है ओके okay? अब आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है फैसिलिटेटेड कह रहा है यानी कि समथिंग इज फैसिलिटेटिंग इट कुछ उसको फैसिलिटेट कर रहा है वो क्या है वो कैरियर प्रोटीन्स है तो कैरियर प्रोटीन इसको फैसिलिटेट तो कर रही है लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं हाई कॉन्सनट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वो सेम होगी पैसिव पेस्टिफिनना वो भी सेम होगी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वो भी सेम होगी सिर्फ इनके अलावा एक ख़ास बात इसमें अलग से है कि इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में एक कैरियर यूज़ हो रहा है इसलिए इसको हम कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन कहते हैं ठीक है अब इसमें किस तरीके से होता है इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं सारे के सारे जो फैक्टर सिंपल डिफ्यूजन के हैं वो इसके भी होंगे जो कि इसको अफेक्ट करेंगे अब हम बात करेंगे कि ये कैसे हो रहा है तो जो सेल मेंब्रेन है जैसे ये सेल मेंब्रेन है सिंपल डिफ्यूजन इनके थ्रू होता है यहां से होता है सिंपल डिफ्यूजन जो है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन हो रहा है लिपिड बाइलेयर वहां पे कोई अलग से कुछ खास यूज नहीं है वो डू टू रैंडम मूवमेंट की वजह से हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की वजह से जा रहा है लेकिन जो ये है आपका इसके लिए क्या होता है एक कैरियर प्रोटीन है ये ये एक कैरियर प्रोटीन है जिसकी वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है स्टार्टिंग कंडीशन और बाद में क्या होगा कैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसपोर्ट होता है बाय द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ये देखिए यह एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन है इस कैरियर प्रोटीन पे जैसे यहां पर सब्सटेंस ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन तो वही रखना है कि ज्यादा होगा ज्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इस सब्सटेंस को आना है हाई टू लो कॉन्सनट्रेशन इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही लेकिन जो ये कैरेट प्रोटीन है इस रिएक्शन को हेल्पफुल कर रही है ये इसको फैसिलिटेट कर रही है इस रिएक्शन को कंपैरेटिवली फास्टर कर रही है मतलब सिंपल डिफ्यूजन से फास्ट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये क्या करेगा यहाँ पर बाइंड होगा अब यहाँ पर बाइंड हुआ इसके बाद यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुए कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होने की वजह से देखो इसने इस तरीके से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर लिया कि अपना शेप चेंज कर लिया इसने अब जो यहाँ पे था अब वो है तो वहीं पे लेकिन इसने अपना खुद का पोजिशन चेंज कर लिया उस उसका कोई पोजिशन चेंज नहीं हुआ लेकिन अपना कुछ पोजिशन चेंज कर लिया तो अब ये बाहर से इसको अंदर यहां पर छोड़ देता है तो हो तो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे ही ये भी पैसे प्रोसेस है बट इट इज हेल्पफुल हेल्प बाई दी कैरियर प्रोटीन अब ये कैरियर प्रोटीन तो फिक्स होते हैं किसी भी सेल मेमब्रेन में तो शुरुआत में आप क्या करोगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा जितना ज्यादा इस सीवन माइनस सी टू को बढ़ाओगे बाई द फिक्स ऑफ डिफ्यूजन यहां जितना ज्यादा करते चले जाओगे उतना रेट बढ़ता चला जाएगा लेकिन क्योंकि इनका अमाउंट फिक्स है ये उस सेल मेम्ब्रेन पे फिक्स है नंबर इनका तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे सेचूरेट हो जाएंगे उसके बाद चाहे आप यहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते भी चले जाओ ये रेट नहीं बढ़ेगा डिफ्यूजन का लेकिन सिंपल डिफ्यूजन क्योंकि थ्रू इसके हो रहा है वो रेट पर डिपेंड करता है सीवन माइनस सी टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वहां पर रेट कंटिन्यूस बढ़ता चला जाता है अब इसके लिए जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्स्ट्रा सेलर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हमने ली है और यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ले रहे हैं तो जैसे जैसे हमने सपोज करो इतना रखा एक्स्ट्रा सेलर कॉन्सेंट्रेशन तो रेट हमारा यहाँ आ रहा है इसमें भी रेट यहाँ आ रहा है हमने इसको बढ़ाया यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे भी रेट बढ़ गया ये रेट है ना ऐसे ऐसे होता है कि हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो हम क्या करते हैं जो भी पॉइंट होता है उसको ऐसे मिलाते हैं और उसके कंस्पॉन्डिंग देखते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या आपका ग्राफ में रिजल्ट आ रहा है तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन को कंपेयर करो तो आपका रेट जो है सिंपल डिफ्यूजन में भी बढ़ रहा है फैसिलिटेटेड में भी बढ़ रहा है इससे कंपेयर दूसरे से जवाब कर रहे हो तो ये कंटिन्यूअसली सिंपल डिफ्यूजन में कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है इसकी कोई सेचुरेशन नहीं है आप जिस हिसाब से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे रेट बढ़ता चला जाएगा लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो रेड वाला है इसमें अप टू अ लिमिट तो रेट बढ़ता जा रहा है पर एक टाइम के बाद जो रेट है ये वाला ये फिक्स हो गया तो यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है वो सेचुरेशन कैनेटिक्स को फॉलो करता है और जो ये रेट है जो मैक्सिमम रेट है इसको हम कहते हैं टी एम इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वी मैक्स के बराबर होता है जो आपने एंजाइम में कैनेटिक्स पढ़ते हैं जहाँ पर वेलॉसिटी ऑफ मैक्सिमम होती है रिएक्शन की उसी की तरह से ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है इसके बाद जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो चेंज नहीं होगा तो अगर हम सिंपल और फैसिलिटेटेड में डिफरेंस पढ़े तो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं उससे पहले समझने से पहले एक चीज़ और समझ लें कि जो ये जो ये प्रोटीन है जो प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन इसमें हो सकता है कि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ठीक है ये स्पेसिफिक है कुछ हद तक स्पेसिफिक है कि इसमें ये मॉलिक्यूल इसके साथ लग रहा है लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो है कोई और टाइप के मॉलिक्यूल भी इस पर बाइंड होकर अपना ट्रांसपोर्ट करते हो तो यानी कि अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा दोगे तो जो सीवन था जो ये था रेड वाला इसका ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कंपिटेटिव इनिबिशन तो ये कंपिटिटिव इनिबिशन भी देता है कौन फैसिलिटेटेड? यानी ये कंपिटेटिव इनिबिशन भी इसमें होता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑफ कंपिटेटिव इनिबिशन फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज कि अगर डी ग्लूकोज जो एपिथेलियम के थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होता है इसके साथ में डी गलेक्ट्रोज आ जाए तो डी ग्लूकोज का जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा क्योंकि डी ग्लूकोज एंड डी गलेक्ट्रोज सेम कैरेट प्रोटीन के थ्रू डिफ्यूजन देते हैं अब सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट थ्रू एल्वियोलाई यूरिया और अमोनिया का ट्रांसपोर्ट थ्रू किडनी वो भी सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट तीन जगह पर आरबीसी में जस्ट एग्जाम्पल्स हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आरबीसी में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मसल्स में स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है और साथ में एडिपोज टिश्यू में ये जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है इन तीनों में ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है अब इसमें हम आपको एक खास बात और बता दें कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कैरियर है इनका नाम होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जी एल यू टी लिखते हैं इसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये बहुत तरह के हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग सेल्स में अलग अलग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं तो जो आर बी सी में है वो होते हैं ग्लूट वन यानी ग्लू माने ग्लूकोज टी माने ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वन और इन दोनों में जो होते हैं वो होते हैं, ग्लूट फोर जो ग्लूट वन है वो आपके हार्मोनल डिपेंडेंट नहीं होते लेकिन ये हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं ये इंसुलिन से इनका डिपेंडेंसी होती है इसीलिए इंसुलिन का जो इंसुलिन के थ्रू ये जो ग्लूकोट ग्लू ट्रांस आ, फोर के थ्रू जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्केलेटल मसल और रेडिपोज टिश्यू में होता है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी में कम हो जाता है इसलिए इंसुलिन की डेफिशिएंसी में आपको डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाता है ठीक है अब हम अगर फैसिलेटेड और सिंपल में डिफरेंस करें तो सिंपल और फैसिलिटेटेड सिंपल में कोई कैरियर यूज नहीं हो रहा है फैसिलिटेटेड में कैरियर यूज हो रहा है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है कि सिंपल में सैचुरेशन कानेटिक्स नहीं होती फैसिलिटेटेड में सैचुरेशन कानेटिक्स होती है सिंपल में कोई कंपिटेटिव इनिबिशन नहीं होता फैसिलिटेटेड में कंपटेटिव इनिमिशन होता है सिंपल में रेट स्लो होता है फैसिलिटेटेड में रेट जो है वो हाई हो सकता है सिंपल में कोई नॉन स्पेसिफिक कोई भी इसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है डिफ्यूज कर सकता है लेकिन जो फैसिलिटेटेड है हो सकता है वो कैरियर प्रोटीन उसके लिए स्पेसिफिक हो तो कैरियर प्रोटीन जो मतलब फैसिलिटेटेड में एक स्पेसिफिसिटी अप टू सम एक्सटेंट शो हो सकती है सो दिस इज अबाउट द डिफ्यूज थैंक यू सो मच